अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अप्सरा भी माँ के रूम में सामान लगा रही है, यही सही मौका इस रूम की तलाशी लेने का। मुझे पता है निहार जी से जुड़ी कोई ना कोई जानकारी मुझे जरूर मिलेगी। जैसे तैसे माई और बाबू को तो रोक लिया, लेकिन इस सुचिता और बाबू की तो नजदीकियां बढ़ती ही जा रही है। मुझे कुछ करना ही होगा। सिटी हॉस्पिटल, रुचिता जी, आप यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? और ये आप पीछे क्या छुपा रही हैं? अरे वाह, आपने तो इस फोटो को और भी सुंदर बना दिया। मुझे पता था कि तुम्हें ये फ्रेम जरूर पसंद आएगी, बस यही देने आई थी मैं। ये वैसे अप्सरा, तुमने क्या बताया था, कैसे मिले थे तुम दोनों? वो बस, हाँ बस स्टॉप पे मिले थे, एक ही बस से आते जाते थे। अच्छा, बस स्टॉप पे। और शादी, मेरा मतलब है कि शादी कहाँ हुई थी तुम दोनों की? वो पुरानी शिव मंदिर में। शिव मंदिर? लेकिन उसमें तो कई सालों से मरम्मत हो रही है, और वो तो कई सालों से बंद है, फिर वहां पे कैसे? अरे नहीं नहीं रुचिता जी, वो शिव मंदिर है ना, उससे भी 10 किलोमीटर दूर एक और मंदिर है, वही हुई थी हमारी शादी। अच्छा अच्छा, वैसे इस फ्रेम को ना अच्छी सी जगह लगा देना, ठीक है? हमने रुचिता को ये तस्वीर कब भेजी? हमको कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? और ये इतने सवाल क्यों पूछ रही थी? तो इससे बचकर जल्द से जल्द अपना मकसद पूरा करना होगा। मुझे अब इस डॉक्टर से बात करनी होगी, तभी मुझे सच का पता चल पाएगा। क्या बाबू की याददाश्त चली गई है? जी। मुझे लगा ही था, लेकिन डॉक्टर जी, ये कब की बात है? यही कोई 2 महीने पहले की बात होगी। वो जो स्कूल में आग लगी थी, उसी के विक्टिम थे वो। डॉक्टर, मैं उनकी याददाश्त वापस कैसे ला सकती हूँ? देखिए, उनका केस थोड़ा सेंसिटिव है, अगर एकदम से उन्हें कुछ याद दिलाने जाएंगे ना तो उनकी तकलीफ बढ़ जाएगी, इसीलिए आप आहिस्ता आहिस्ता ही उन्हें याद दिलाने की कोशिश करिएगा। और बाकी तो क्या है, पुरानी यादें, पुरानी बातें, पुराना खाना, ये सब उन्हें याद दिलाई, और भगवान ने चाहा तो धीरे धीरे उन्हें सब याद आ जाएगा। जी थैंक यू। और कोई भी बात हो तो मुझे फोन कर लीजिए। निहार जी, मैं आपको सब याद दिला कर रहूंगी। और जब तक आपकी याददाश्त वापस नहीं आ जाती, तब तक मैं आपको, अप्सरा को और ललिता जी को यहां से कहीं नहीं जाने दूंगी। और जैसे ही आपकी याददाश्त वापस आ जाती, उसके बाद मैं उनसे पूछूंगी कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया।
का दिन मेरे लिए बहुत खास है। मुझे मेरे निहार जी मिल गए, उन्होंने मुझे मुझे डूबने से बचाया, मुझे नई जिंदगी दी। इसलिए मैं उनको उनकी फेवरेट टूटी फ्रूटी वॉलनट केक खिला के थैंक यू बोलूंगी। और क्या पता शायद उनको इससे कुछ याद आ जाए। ये तो हो गया, अब जाकर के बाकी सजावट भी देख लेती हूँ। इस टूटी फ्रूटी की जगह ये कंकड़ बाबू के मुंह में जाएगा ना, तब रुचिता के लिए जितना भी प्यार उमड़ रहा है ना, सब रफा दफा हो जाएगा। सुचिता जी क्या कर रही हैं आप, कहाँ लेकर जा रही हैं मुझे? आप आइए तो बाबूजी, आपको सब पता चल जाएगा। आप मेरे साथ चलिए। अच्छा, ये केक, ये सजावट, रुचिता जी आज मेरा जन्मदिन नहीं है। लेकिन आज आपने मुझे नई जिंदगी दी है, इसलिए थैंक यू बोलने का ये मेरा अंदाज है। सच में यार, आज तुमने इतना बड़ा बहादुरी का काम किया है, उसके लिए थैंक यू पार्टी तो बनती है। और हम बच्चों की तरफ से भी थैंक यू, क्योंकि आज आपकी वजह से हम फुल एंजॉय कर रहे हैं। ये सब मेरे लिए, आज तक किसी ने भी मुझे इस तरह से थैंक यू नहीं कहा। आज तक ऐसा केक किसी ने भी नहीं खिलाया होगा जो आज तुम खाओगे। अब केक काटिए। रुके रुके, अब जल्दी से एक विश मांगिए और मोमबत्ती बुझाइए। मुझे नहीं पता मैं रुचिता जी के प्रति ऐसा खिंचाव क्यों महसूस कर रहा हूँ, क्यों उनका आसपास होना मुझे अच्छा लगता है। ये जो भी है मुझे इसका जवाब ढूंढना ही होगा। क्या किया तुमने मेरे बेटे के साथ? मेरे बेटे ने तुम्हारी जान बचाई और तुम उसे मारना चाहती हो? तुम्हें तुम्हें छोड़ूंगी नहीं रुचिता। मैंने कुछ नहीं किया मां, मैं वो अप्सरा। ये तो सपना था। ये स्वाद तो जाना पहचाना सा लग रहा है, जैसे ये केक मैंने पहले भी खाया हो।
और खाइए ना। थैंक यू। देखिए मन सुंदर सोमवार से रविवार रात 8:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।